In this session, we will discuss about significance and kinetics of protein binding. Myself, Dr. Prabhjot Singh. So first we will start with the significance. The first significance of protein binding is in absorption. So what is absorption? Absorption is the movement of drug from the GIT or other sites of absorption into the systemic circulation. So when a drug is absorbed, so the main transferring force is the concentration gradient. So the concentration of drug is higher in the GIT and it is lower in the systemic circulation or in the blood. So the transfers take place due to the difference in the concentration. So when that difference becomes equal or the equilibrium is attained, the transfer stops. So the absorption equilibrium is attained by transfer of free drug from site of administration into the systemic circulation. And when the concentration in these two compartments becomes equal, then further transfer stops. However, binding of absorbed drug to plasma protein decreases free drug concentration and disturbs such an equilibrium. तो होता क्या है कि ड्रग की मूवमेंट जीआईटी से या जहाँ भी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ से सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर होनी है, तो तब तक वो होती रहती है जब तक कि उसकी जो फ्री जो उसका कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन रहता है. तो जैसे ही दोनों जगह पर जीआईटी के अंदर और सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर कंसेंट्रेशन उसकी इक्वल हो जाती है तो ट्रांसफ़र रुक जाता है. पर प्रोटीन्स क्या करती हैं, उसको ड्रग को जो ब्लड के अंदर आती है उसको बाइंड कर लेती हैं. तो उससे क्या होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ फ्री ड्रग डिक्रीजेस और उसके कारण क्या है, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट आपका मेंटेन रहता है. इसको कहते हैं सिंक कंडीशंस. दस सिंक कंडीशंस एंड द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट आर री एस्टेब्लिश्ड विच नाउ एक्ट एज द ड्राइविंग फोर्स फॉर फर्दर अब्जॉर्प्शन. दिस इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन केस ऑफ आयनाइज ड्रग विच आर ट्रांसपोर्टेड विद डिफिकल्टी. सेकेंड सिग्निफिकेंस इज द सिस्टेमिक सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स. वाटर इनसोल्यूबल ड्रग्स, न्यूट्रल एंडोजेनस मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज हेपरिन, ऑयल सोल्यूबल विटामिन्स आर सर्कुलेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू टिश्यू बाय बाइंडिंग एस्पेशली टू लिपोप्रोटीन्स विच एक्ट एज अ व्हीकल फॉर सच हाइड्रोफोबिक कंपाउंड. तो ये जो इस तरह की ड्रग्स होती हैं या एंडोजेनस कंपाउंड होते हैं, इनका जो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये प्रोटीन बाइंडिंग के कारण ही होता है. ऑल सोल्यूबल विटामिन्स भी इसका पार्ट है, तो ये लिपोप्रोटीन के साथ बाइंड होकर पूरे बॉडी के अंदर ट्रांसफर होते हैं. इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या सिग्निफिकेंस है. प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग रिस्ट्रिक्ट्स द एंट्री ऑफ ड्रग डैट हैज स्पेसिफिक एफिनिटी फॉर सर्टेन टिश्यू. दिस प्रिवेंट्स एक्युमुलेशन ऑफ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ ड्रग्स इन सच टिश्यूज एंड द सबसिक्वेंट टॉक्सिक रिएक्शन. तो इनका जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है ये ड्रग को टिश्यू के अंदर नहीं जाने देती, क्योंकि प्लाज्मा में ही ये उसको रोक के रखती है, ब्लड में रोक के रखती है, आगे नहीं जाने देती. इससे क्या होता है, टॉक्सिक उसका इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस हो पाता. प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग दस फेवर्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग थ्रू आउट द बॉडी बाय इट्स बफर फंक्शन. तो एक बफर का, एक बैंक का काम करती है ये प्रोटीन्स. तो ये धीरे धीरे ड्रग को छोड़ती रहती हैं जो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है. अ प्रोटीन बाउंड ड्रग इन पर्टिकुलर डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, द प्लेसेंटल बैरियर एंड द ग्लोमरस. तो डिस्ट्रीब्यूशन में एक सिग्निफिकेंस ये है कि जो ड्रग एक बार बाइंड होगी प्रोटीन से, वो इनको बैरियर्स को क्रॉस नहीं कर पाती, तो इसलिए ब्रेन में नहीं पहुंच पाती या फीटस तक नहीं पहुंच पाती या फिर वो एक्सक्रीट नहीं हो पाती. उसके बाद आती है एलिमिनेशन. ओनली द अनबाउंड ड्रग इज कैपेबल ऑफ बींग एलिमिनेटेड. तो एलिमिनेशन होने के लिए ड्रग को लीवर के पास जाना पड़ेगा और लीवर तक तो वो तभी पहुंच पाएगी अगर वो प्रोटीन से अनबाउंड होएगी. दिस इज बिकॉज द ड्रग प्रोटीन कम्प्लेक्स कैन नॉट पेनिट्रेट इन टू द लीवर. लार्ज मॉलिकुलर साइज ऑफ द कम्प्लेक्स ऑल्सो प्रिवेंट्स इट फ्रॉम गेटिंग फिल्टर्ड थ्रू द ग्लोमरस. दस ड्रग्स विच आर मोर देन 95% बाउंड आर एलिमिनेटेड स्लोली, दैट इज दे हैव लॉन्ग एलिमिनेशन हाफ लाइफ. फॉर एग्जाम्पल टेट्रासाइक्लिन विच इज ओनली 65% बाउंड has an elimination half-life of 8.5 hours in comparison to 15.1 hours of doxycycline which is 93% bound to plasma protein.
तो जितनी ज़्यादा बाइंडिंग प्रोटीन के साथ होती है ड्रग की, उतनी ज़्यादा उसकी एलिमिनेशन हाफ लाइफ बढ़ती चली जाती है। हाउएवर पेनिसिलिन हैव शॉर्ट हाफ लाइफ्स डिस्पाइट बीइंग एक्सटेंसिवली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन। दिस इज बिकॉज रैपिड इक्विलिब्रेशन अकर्स बिटवीन द फ्री एंड बाउंड ड्रग एंड द फ्री ड्रग इज इक्वली रैपिडली एक्सक्रीटेड बाय एक्टिव सिक्रेशन इन रीनल ट्यूब्यूल्स। तो पेनिसिलिन की बाइंडिंग तो ज़्यादा होती है पर फिर भी वो उसकी हाफ लाइफ कम होती है। ऐसा क्यों होता है कि वो फटाफट से इक्विलिब्रियम के कारण फ्री होती रहती है, बॉन्ड फॉर्म से अनबॉन्ड फॉर्म में ट्रांसफ़र होती रहती है और जो रीनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू एक्टिव सिक्रेशन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाती है बॉडी से। इसके बाद आते हैं थेरेपी एंड ड्रग टारगेटिंग। द बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स टू लिपोप्रोटीन कैन बी यूज फॉर साइट स्पेसिफिक डिलीवरी ऑफ हाइड्रोफिलिक मॉइटीज। तो आजकल एक नया थेरेपी चली है ड्रग की, उसे कहते हैं ड्रग टारगेटिंग। तो इसमें क्या होता है, ड्रग को टारगेट किया जाता है बॉडी पार्ट पे जाके, जैसे कैंसर हो गया। सर्टन कैंसर थेरेपीज बिकॉज सर्टन ट्यूमर सेल्स हैव ग्रेटर एफिनिटी फॉर LDL देन नॉर्मल सेल्स। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के साथ कुछ ट्यूमर सेल्स ज़्यादा उनकी एफिनिटी होती है। तो हम ऐसे क्या करेंगे, इसके अंदर सुटेबल एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट लेंगे, उसको LDL के साथ बाइंड कराएंगे और उसको फिर बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे। एस्ट्रोडियोडायोल बाइंड सेलेक्टिवली एंड स्ट्रॉन्गली टू प्रोस्ट्रेट एंड दस प्रोस्ट्रेट कैंसर कैन बी ट्रीटेड बाय अटैचिंग नाइट्रोजन मस्टर्ड टू एस्ट्राडायोल फॉर टारगेटिंग ऑफ प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। तो नाइट्रोजन मस्टर्ड क्या होता है, ये एंटी कैंसर एजेंट होता है एक। सो कंक्लूजन क्या है, ऑल फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रोटीन बाइंडिंग। बाउंड ड्रग कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू ब्लड कैपिलरी सो डैट बाउंड ड्रग इज फार्माकोलॉजिकली इनर्ट। कोई एक्शन नहीं दे पाती क्योंकि वो प्लाज्मा में ही रह जाती है। प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग हैव लॉन्गर एलिमिनेशन हाफ लाइफ कंपेयर टू फ्री ड्रग। एलिमिनेशन भी नहीं हो पाती क्योंकि वो ड्रग आपकी बाइंड रह जाती है। इसके बाद प्रोटीन बाउंड ड्रग डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड प्लेसेंटल बैरियर, ठीक है। और एस्ट्राडायोल बाइंड सेलेक्टिवली टू प्रोस्ट्रेट एंड देयरफॉर कैन बी यूज टू ट्रीट प्रोस्ट्रेट कैंसर, ठीक है। तो इस तरह से ये इसके सिग्निफिकेंस है। इसके बाद आता है आपका कैनेटिक्स ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। सो व्हाट इज कैनेटिक्स, कैनेटिक्स इज अ स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस। द कैनेटिक्स ऑफ रिवर्सिबल ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग फॉर अ प्रोटीन विद वन सिंपल बाइंडिंग साइट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय लॉ ऑफ मास एक्शन एज फॉलोज। तो इसके अंदर क्या करते हैं, हमने क्या चेक करना है कि रेट क्या है प्रोसेस का, रेट और उसकी स्पीड, ऑर्डर, ये सारी चीज़ें काइनेटिक्स के अंदर डिटरमाइन करी जाती है। तो एक इक्वेशन है, प्रोटीन प्लस ड्रग गिव्स प्रोटीन प्लस ड्रग कॉम्प्लेक्स, ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स देता है। पी प्लस डी गिव्स पीडी, ये फुल स्क्रीन नहीं हो रही है इसकी। सो पी प्लस डी गिव्स पी डी कम्प्लेक्स फ्रॉम इक्वेशन वन। लॉ ऑफ मास एक्शन एंड एसोसिएशन कॉन्स्टेंट के ए कैन बी एक्सप्रेस एज रेशियो ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दिस एज्यूम्स ओनली वन बाइंडिंग साइट पर प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो एसोसिएशन कॉन्स्टेंट के ए इज इक्वल टू पी डी अपॉन पी इंटू डी। The extent of drug protein complex formed is dependent on the association binding constant Ka. The magnitude of Ka yields information on the degree of drug protein binding. Drugs strongly bound to protein have very large Ka and exist mostly as drug protein complex. With such drugs, a large dose may be needed to obtain a reasonable
कंसेंट्रेशन ऑफ फ्री ड्रग. तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ के है, जितने ज़्यादा के है उस के की वैल्यू आएगी उतनी ज़्यादा ड्रग स्ट्रॉन्गली बाउंड टू प्रोटीन होएगी. ठीक है. मोस्ट कनेटिक स्टडीज इन विट्रो यूज प्यूरिफाइड एल्बुमिन एज स्टैंडर्ड प्रोटीन सोर्स बिकॉज दिस प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजर पोर्शन ऑफ प्लाज्मा ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग. तो जब स्टडी करते हैं इन विट्रो तो प्यूरिफाइड एल्बुमिन को यूज़ करा जाता है. एक्सपेरिमेंटली बोथ फ्री ड्रग डी एंड द प्रोटीन बाउंड ड्रग एज वेल एज टोटल प्रोटीन कंसेंट्रेशन दिस कैन बी डिटरमाइंड. पी प्लस डी, पी इज प्रोटीन प्लस पी डी इज द प्रोटीन ड्रग कम्प्लेक्स मे बी डिटरमाइंड टू स्टडी द बाइंडिंग बिहेवियर ऑफ ड्रग्स. अ डिटर्मिनेबल रेशियो आर इज डिफाइंड एज फॉलो. तो एक रेशियो निकालते हैं आर. आर इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ड्रग बाउंड अपॉन टोटल मोल्स ऑफ प्रोटीन. तो इसको हम बुक से ही पढ़ लेंगे आगे. तो वही जो मैंने आपको अभी इसमें स्लाइड्स में से बताया कि पी प्लस डी फॉरवर्ड में के ए कॉन्स्टेंट है और बैकवर्ड में के डी डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट है. इट गिव्स पी डी कम्प्लेक्स. के ए इज एट इक्विलिब्रियम. के इज इक्वल टू पी डी अपॉन पी इंटू डी. सो पी डी इज इक्वल टू के ए पी डी. ठीक है. पी इज कंसेंट्रेशन ऑफ फ्री प्रोटीन. डी इज कंसेंट्रेशन ऑफ फ्री ड्रग. पी डी इज कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन ड्रग कम्प्लेक्स. के इज एसोसिएशन रेट कॉन्स्टेंट. के डी इज इक्वल टू डिसोसिएशन रेट कॉन्स्टेंट. के ए इज इंक्रीज ग्रेटर देन के डी. दिस इंडिकेट्स फॉरवर्ड रिएक्शन डेट इज प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग इज फेवर्ड. इफ पी टी इज द टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट बाउंड एंड अनबाउंड देन. अगर जो टोटल कंसेंट्रेशन प्रोटीन की है वो सम है किसका, बाउंड प्रोटीन का और फ्री प्रोटीन का, पी डी प्लस पी. तो इफ आर इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ड्रग बाउंड टू टोटल मोल्स ऑफ प्रोटीन देन आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन पी डी. पी डी इज मोल्स ऑफ ड्रग बाउंड एंड पी टी इज टोटल मोल्स ऑफ प्रोटीन. तो पी टी की वैल्यू हम यहाँ से पी डी प्लस पी पुट कर लेंगे 4.14 में से. तो इक्वेशन बन जाएगी पी डी अपॉन पी डी प्लस पी. पी टी की जगह क्या आ जाएगा, पी डी प्लस पी. सब्सिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ पी डी फ्रॉम इक्वेशन 4.13 इन इक्वेशन 4.15 वी गेट. अब इसमें इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर. के इज इक्वल टू पी डी अपॉन पी इंटू डी के अंदर हम वैल्यू को पुट करेंगे इसके अंदर. आर इज इक्वल टू के ए पी डी अपॉन के ए पी डी प्लस पी इज इक्वल टू के ए डी डिवाइडेड बाय के ए डी प्लस वन. एक बार दोबारा से देख लेते हैं इसको. ये देखो इक्वेशन है ये आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन पी टी. ठीक है. तो पी डी की वैल्यू क्या डाल दी, यहां से डाल दी पी डी इजकल टू के ए पी डी. ठीक है. और पी टी की वैल्यू क्या डाल दी, के ए पी डी प्लस पी. ठीक है. तो ये क्वेश्चन आ गई आपकी के ए डी. ये आपका इसके अंदर पी डी में और ये पी डी में और ये पी, तीनों में से ये कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया. तो ये क्वेश्चन रहेगी के ए डी डिवाइडेड बाय के ए डी प्लस वन. इक्वेशन 4.16 होल्ड्स व्हेन देयर इज ओनली वन बाइंडिंग साइट ऑन द प्रोटीन एंड द प्रोटीन ड्रग कम्प्लेक्स इज 1:1 कम्प्लेक्स. इफ मोर देन वन और एन नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स आर अवेलेबल पर मोल ऑफ प्रोटीन देन आर इज इक्वल टू एन इंटू के ए डी डिवाइडेड बाय के ए डी प्लस वन. तो एन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. एन इज द नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स. द वैल्यू ऑफ एसोसिएशन कॉन्स्टेंट के ए एंड द नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स एन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग इक्वेशन 4.17 इन थ्री डिफरेंट वेज एज शोन बिलो. तो इस इक्वेशन को तीन अलग अलग तरह से प्लॉट करके ग्राफ पे हम इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, के ए की और एन की. तो नंबर वन इज द डायरेक्ट प्लॉट. इट इज मेड बाय प्लॉटिंग आर वर्सेस
डी, ठीक है, ड्रग की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड, और इसका वाई एक्सिस पे आ जाएगा आर, आर इज़ द रेशो। तो रेशो को जब इसको प्लॉट करेंगे तो ये एन की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, जब प्लेट्यू रीच होएगा एन आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से आपकी वन पॉन के की वैल्यू इसमें से आ जाएगी ग्राफ में से। एट प्लेट्यू आर इज इक्वल टू एन, व्हेन आर इज इक्वल टू एन पॉन टू, डी इज इक्वल टू वन पॉन के ए, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट प्लॉट है पहला। इसके बाद अगला प्लॉट है स्केचेड प्लॉट, इज मेड बाय ट्रांसफॉर्मिंग इक्वेशन इनटू लीनियर फॉर्म, इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन में इसको ट्रांसफर करना है, इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी, सॉल्व करेंगे इसे, आर पॉन डी इज इक्वल टू एन के ए माइनस आर के ए। इसका जब प्लॉट करेंगे, इसके अंदर आर पॉन डी वाई है ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये आपकी स्लोप है एम, ठीक है, एन ये एन है यहाँ पर, ये इंटरसेप्ट है, सॉरी ये इंटरसेप्ट है आपका एन के ए पूरा, और के ए इज द वैल्यू ऑफ स्लोप एंड आर इज द वैल्यू ऑफ एक्स। सो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन है ये, वाई आ गया आर पॉन डी, एक्स हो गया आपका आर, के ए माइनस के ए इसकी स्लोप आ गई, एन के ए इज द इंटरसेप्ट। इसके बाद एक डबल रेसिप्रोकल प्लॉट होता है, डबल रेसिप्रोकल प्लॉट को लाइन वीवर बर्क प्लॉट भी कहा जाता है। द रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन 4.17 यील्ड्स दिस इक्वेशन, तो ये जो 4.17 इक्वेशन है इसका डबल रेसिप्रोकल लिया है यहाँ पर, तो ये इक्वेशन आ जाती है इससे। अ प्लॉट ऑफ 1 अपॉन आर वर्सेज 1 अपॉन डी यील्ड्स अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप ऑफ 1 अपॉन एन के ए एंड 1 अपॉन एन इज द इंटरसेप्ट। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इसको हम ग्राफ से समझ लेंगे। 1 अपॉन आर इज वाई, 1 अपॉन डी इज एक्स, स्लोप इज इक्वल टू 1 अपॉन एन के ए, ठीक है। तो ये आपकी काइनेटिक्स ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग यहाँ पर ख़त्म होती है।